धरती के स्वर्ग में सबसे बड़े घोटाले का अंधेरा। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ का घोटाला। वादा रोशनी का किया, लोगों को अंधेरा दिया। रोशनी की आड़ में महाघोटाले का अंधेरा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर को चमकाने के नाम पर ही उसे सबसे बड़े अंधेरे में धकेल दिया गया। अब तक आप समझते रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की ही गंदी नजर है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इन हसीन खूबसूरत वादियों पर अपना दावा करने वालों ने भी इसे दिल खोल कर लूटा है। सत्ता और रसूख का फायदा उठाकर इस दिलकश सरजमी की सरकारी जमीन को लूट का अड्डा बना दिया गया। अरबों की सरकारी जमीन कौड़ी के भाव लूट ली गई। सत्ता पर काबिज चेहरे बदलते गए, कुर्सी पर बैठने वाले बदलते गए, लेकिन सरकारी जमीन की लूट बंद नहीं हुई। अब समझिए कि कैसे करीब 2 दशक तक कश्मीर की करोड़ों अरबों की जमीन को कश्मीर के विकास के नाम पर ही, उसे रोशनी देने के नाम पर उसे अपना कहने वाले ही लूटते रहे। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में रोशनी के सरकारी मायने क्या हैं। जम्मू कश्मीर में रोशनी नाम से लैंड एक्ट बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य भूमि एक्ट को ही रोशनी स्कीम कहा गया। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भूमि एक्ट लाए थे, जिसके मुताबिक 1999 से पहले तक जिसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, 1999 में सरकारी जमीन मूल्य के हिसाब से जमीन का पैसा चुका कर उस अवैध कब्जे को पैसे देकर सरकारी तौर पर अपने नाम कराया जा सकता है। योजना का लक्ष्य था बाजार से 25,000 करोड़ रुपए को जुटाना, ताकि राज्य में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो सके, यानी रोशनी एक्ट के पैसे से राज्य के लिए बिजली बनाई जानी थी। फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट के तहत जमीन पर अतिक्रमण का कट ऑफ वर्ष साल 1999 रखा। इससे बड़े पैमाने पर रसूखदार लोगों ने कौड़ी के भाव महंगी जमीनें हासिल कर ली। जिसके पास पहले से जमीनें नहीं थी, उन्होंने भी खेल करके करोड़ों रुपए की जमीन इस एक्ट के तहत अपने नाम कर ली। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। साल 2005 में पीडीपी के शासन में पहली बार कट ऑफ साल 2004 कर दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद सूबे के मुख्यमंत्री थे, यानी साल 2004 तक जिसने जमीन पर अवैध कब्जा किया हो, वो जमीन को सरकारी रेट पर अपने नाम कर सकता है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कट ऑफ को साल 2007 कर दिया, यानी 2007 से पहले जिसने जमीन पर अवैध कब्जा किया वो सरकारी जमीन के पैसे देकर उसे लीगल करा सकता है, वो भी कौड़ियों के भाव। यानी सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सरकारी जमीन की लूट जस की तस चलती रही। इसीलिए इसे कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। आरोप है कि कृषि की महंगी जमीन को बेहद सस्ते में बेचा गया, वन विभाग की जमीन को रिहायशी इलाके में बदला गया, करोड़ों की जमीन हजारों में निकाल दी गई। लूट में नेटवर्क लगातार काम करता रहा, लेकिन 2014 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट ने भंडाफोड़ कर दिया। लूट का खेल बेनकाब हो गया। इस रिपोर्ट में कहा गया 25,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन सरकारी खजाने में सिर्फ 76 करोड़ ही आए, यानी 0.3% पैसे ही सरकारी खजाने में आए। इस तरह ये घोटाला महाघोटाला बन गया। As a consequence, कोर्ट ने ये कहा कि आपको जितनी भी भूमि आवंटित रोशनी एक्ट के तहत हुई है उसे वापस लेना है, उसके अलावा जितनी भी सरकारी भूमि इलीगली एनक्रोच हुई है उसे भी रिट्रीव करना है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को उन प्रबुद्ध लोगों के, उन ताकतवर लोगों के, पॉलिटिशियंस के, ब्यूरोक्रेट्स के नाम सार्वजनिक करने हैं जो रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से बेनिफिट हुए हैं। इस बीच 28 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सतपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जमीनों के तमाम ट्रांसफर रद्द कर दिए। अब मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लूट के इस खेल को बेनकाब करने का मन बना चुके हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर जमीन घोटाले की जाँच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही जांच एजेंसी को हर 8 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट दायर करने के भी निर्देश दिए हैं। यानी अब सालों तक सरकारी जमीन से अवैध लगान वसूलने वाले मुफ्तखोर नपने वाले हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की कई अहम पार्टियों के तमाम लोग भी इसमें फंस सकते हैं। जाहिर है अब हंगामा तो होना ही है, क्योंकि गले उनके फंसते दिख रहे हैं जो अब तक खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा रक्षक कहते आए हैं, रहनुमा कहते आए हैं।